हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपकी डिमांड पर ये ऊनी ब्लाउज लेकर आई हूँ। इसे हम एक कलर से बनाए हैं और ये कई पार्ट में बटकर बना है, जैसे एक पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा में फिर बॉर्डर आ जाता है। ये दो पार्ट में बनता है, एक आगे पल्ला का, एक पीछे पल्ला का। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे बनता है। इसके लिए सबसे पहले हम फंदे को सिलाई पर ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये चीज़ लाने के लिए हम धागे को चार बार लपेटेंगे, ठीक है। जैसे कि ये हो गया दो, ये तीन और ये चार। ये चार हो गया। हम इसमें 10 नंबर का सिलाई यूज किए हैं और ऊन है हमारा 4 प्लाई का। जब हम इसे चार बार इस तरह से लपेट लेंगे और इधर एक रहेगा, तब इसमें हम इस तरह से, आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकती हैं। तो ये हमारा दो फंदा आपरूपी सिलाई पर आ गया है। अब हम इसे इस तरह से फंदे को हम चढ़ाते चले जाएंगे। ये फंदे चढ़ाने का वीडियो मैं डाली हुई हूँ, तो इस तरह से आप फंदे चढ़ा लें। ये 34 नंबर का ब्लाउज है, इसमें हम फंदे लिए हैं 85। 85 फंदे बिन लेने के बाद में मैं आपको इसमें कुछ फंदे पर बता रही हूँ। इस तरह से मान लिया जाए कि आप 85 फंदे चढ़ा लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक गांठ लगा लें। इसके बाद 1st हमारा जो ये फंदा है उसे हम बुन लेंगे, उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरह से। फिर एक फंदे को हम उतार लेंगे, फिर दूसरा को हम बुनेंगे, दूसरा फंदे को हम बुनेंगे उल्टा। इसमें दोनों तरफ से हमारा उल्टा ही सिलाई चलेगा, ठीक है। इस तरह से फिर हम एक फंदे को उतार लेंगे और दूसरे को हम बुन लेंगे इस तरह से। फिर एक को उतारेंगे और दूसरे को बुन लेंगे। अब लास्ट में हमारा अगर एक बच गया है तो हम लास्ट वाला इस तरह से बुन लेंगे, ठीक है। अब उल्टे तरफ से हम बिल्कुल उल्टा बुनाई करेंगे, एक भी हमें इसमें उतारना नहीं है, बिल्कुल उल्टा। इस तरह से बुन लेंगे हम। बुनते हुए इतना बुन लें आप, देखिए इसमें हम कितने कितना सिलाई बुने हैं ये बता रहे हैं आपको। हम इसी जगह से गिनते हैं,
हमें इसमें इतना बुन लेने के बाद में हमें इसे दोनों तरफ से फंदे को कम करते हुए जाना है। इस तरफ से भी फंदे कम करेंगे, जैसे कि इस तरफ से भी कम करेंगे और इस तरफ से भी कम करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम ये दो फंदे को एक साथ ले लेंगे और दो फंदे का एक फंदे करेंगे। इसके बाद एक तो हमें उतारना है और दूसरे को हम बुनेंगे। इस तरह से बुनते चले जाएंगे, एक उतारेंगे दूसरे को बुनेंगे। इस तरह से बुनते हुए हम पूरे इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो हमें फिर से दो फंदे का एक फंदा करना है। देखिए अब हम यहाँ पहुँच गए, दो बचा है, दो फंदा बच गया है। अब दो फंदे को हम एक बार में बुन लेंगे इस तरह से। तो हमारा इस साइड से भी एक कम हो गया फंदा और इस साइड से भी एक फंदा कम हो गया, ठीक है। अब हम जब उलट करके इधर बुनेंगे उल्टा तरफ से, तो उल्टा तरफ में भी हमें ऐसा ही करना है, दो फंदे को लेकर एक करना है और बुनते चले जाना है। फिर लास्ट में जब हम पहुंचेंगे तो फिर हमें दो फंदे का एक फंदा करना है। यानी कि हमें दोनों माने प्रत्येक प्रत्येक सिलाई में हमें इस तरफ से भी फंदे को गिराना है और इस तरफ से भी गिराना है। प्रत्येक सिलाई में हमें दो फंदे को कम करना है। हम लास्ट में दो फंदा बच गया तो फिर हम दो फंदे का एक कर लेंगे। एक कर लिए, फिर जब हम पलट कर आएंगे तो फिर हमें सबसे पहले दो फंदे का एक करना है। इस तरह से दो फंदे का एक कर लिए। अब देखिए यहाँ पर हमें ये यहाँ पर बीच का है, इसलिए इसे तो हमें बुनना है। हम बुन लिए, अब ये फंदा उतारना है हमें, तो उतार लिए और इसे फिर से उसी तरह हम बुनना शुरू कर दिए। हम तब तक बुनेंगे जब तक हमारे पास ये दोनों साइड से कम होकर, यानी कि दोनों साइड से कम होकर बीच में तीन फंदे ना बच जाए, तब तक हम इसे बुनते चले जाएंगे दोनों तरफ से
गिराएंगे, बुनते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया ये किस तरह से बुनना है। ये उतार लेना है, ये डिजाइन तो मैं बता चुकी हूँ, उतार लेना है, एक उतारना है, एक बुनना है, एक उतारना है, एक बुनना है। इस तरह से हम इसे दोनों तरफ से सीधे सीधा जब हम आएंगे सीधा में, तो हमारा दो कम होगा, एक यहाँ पर दो फंदे का एक बनेगा, यहाँ भी दो फंदे का एक बनेगा। फिर जब हम पलट कर आएंगे उल्टा तरफ से, देखिए उल्टा तरफ से, तो फिर दो फंदे का एक बनेगा और यहाँ भी दो फंदे का एक बनेगा। ठीक है, इस तरह से करते हुए हम इसे बिल्कुल बुनाई करते हुए यहाँ तक ले आएंगे। दोनों तरफ से जब घर फंदे कम होते जाएंगे तो आप रूपी ये चीज़ यहाँ पर कम हो जाएगा, ये ऐसा शेप ले लेगा और यहाँ कम हो जाएगा। तीन जब बच जाएगा फंदा तो हम बंद कर लेंगे। इस तरह से हम दो पीस बनाएंगे। ठीक है, दो पीस जब हमारा तैयार हो जाएगा तब हम बगल से इस स्थान से हम बुनना शुरू करेंगे। ये अब हम इस स्थान का फंदा जो है सो सिलाई पर हम चढ़ाएंगे। ठीक है, इसके लिए देखिए हम कितने फंदे चढ़ा लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 31 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 34 35 37 37 फंदे चढ़ाने के बाद में फिर हम इसे बुनना शुरू करेंगे। सीधे तरफ से हम बिल्कुल सीधा बुनेंगे। धागा मैं यहाँ जोड़ लेती हूँ। सीधा से पूरा सीधा बुनेंगे और उल्टा से पूरा उल्टा हम दो सिलाई इस तरह से बुन लेंगे। ये सीधा से पूरा सीधा बुन लिए, अब जब हम उल्टा तरफ से आए हैं तो हम पूरा उल्टा बुन लेंगे। उल्टा दो लाइन हम कंप्लीट किए, दो उल्टा। अब हम यहाँ पर डिजाइन बुनेंगे। डिजाइन बुनने से पहले हम यहाँ एक फंदे से दो फंदे करेंगे। देखिए इस तरह से एक निकालें, फिर नीचे की ओर से सिलाई को डालते हुए और हम दूसरा फंदा निकालेंगे इस तरह से।
ठीक है। अब हमें ये डिजाइन बुनना है। ये डिजाइन बुनने के लिए देखिए, ये डिजाइन बुनने के लिए हमें एक सीधा और दो उल्टा बुनते चले जाना है। हम यहाँ पर एक सीधा बुन लेते हैं, एक सीधा और दो उल्टा, एक दो, दो उल्टा, फिर एक सीधा लेंगे और फिर दो उल्टा लेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। एक सीधा, दो उल्टा, इस तरह से दो उल्टा और फिर फंदे को नीचे करेंगे और एक सीधा। अब हमारा लास्ट जो फंदा है वो एक बच रहा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। इस तरफ हमें फंदे को बढ़ाना नहीं है, सिर्फ हमें एक तरफ से फंदे को बढ़ाना है। क्योंकि हम फंदे को किस लिए बढ़ा रहे हैं, ताकि ये साइड जो हमारा है, इस साइड में फंदे को बढ़ा करके गोलाई का हम रूप देंगे, ठीक है। इसलिए हम फंदे को बढ़ा रहे हैं। अभी हमें उल्टा से पूरा उल्टा बुनना है। उल्टा में हमें कुछ भी नहीं करना है, उल्टा में पूरा उल्टा बुन देना है। और फिर जब हम सीधा तरफ से आएंगे तो हमें फिर से पहला जो फंदा हमारा मिलता है उसमें हम फंदे से, एक फंदे से दो फंदे कर लेंगे। ये उल्टा सिलाई भी कंप्लीट हुआ। अब हम फिर पलट कर सीधे तरफ से आए हैं, तो इधर से भी हमें एक फंदे से इस तरह से पहले, सबसे पहले नीचे की ओर से एक फंदा बढ़ाएंगे, बिनेंगे, फिर इस तरह से सिलाई को लेते हुए हम दूसरा फंदा बनाएंगे, यानी एक से हम दो बनाएं, ठीक है। अब हमें यहाँ देखना है कि उल्टा हमारा, देखिए ये चीज़ सीधा जा रहा है, ये दो उल्टा है यहाँ। अब हमें यहाँ पर उल्टा बुनना है ताकि डिजाइन हमारा बन जाए दो उल्टा एक सीधा का। वो चीज़ हमें देखते हुए इस डिजाइन को कंप्लीट करना है। जब ये हमारा तीन बार में बन जाएगा, तीन बार ये हो जाएगा, यानी कि तीन तीन छः सिलाई हम बुन लेंगे, तब फिर हम इसमें ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन है, इसे हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम इसका पार्ट टू देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बॉर्डर का डिज़ाइन
आप लोग को पसंद आया होगा। अब अगले भाग में हम इसे ई डिजाइन को बनाना जानेंगे।